सो है गाइस, दिस विशाल गुप्ता। और आज की इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का जो पेपर वन है उसके आंसर शीट देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के कंटेंट आपको डेली मिलते रहें। और यदि किसी और सब्जेक्ट का आपको आंसर शीट चाहिए तो कॉमेंट करके बताना, वहाँ पर मैं आपको दूसरे विषय का आंसर शीट अपलोड कर दूंगा। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन पेपर देखते हैं। बेसिकली ये लरंगसाय जो सरगुजा यूनिवर्सिटी है उसका आंसर शीट है। तो इसमें हम दो स्कीम, जैसा आप जानते हो कि ओल्ड कोर्स भी है और न्यू कोर्स भी है। ओल्ड कोर्स उन स्टूडेंट के लिए है जो एक साल गैप करके पढ़ रहा है, राइट। और न्यू स्कीम उसके लिए है जो ट्वेल्थ के बाद डायरेक्टली एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में। तो हम बेसिकली आज के इस वीडियो में न्यू कोर्स को देखेंगे, ओल्ड कोर्स को हम बाद में देखेंगे। यदि आपको ओल्ड कोर्स भी चाहिए तो कमेंट करके बताना, मैं उसको ला दूंगा। तो आज हम न्यू कोर्स को देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं आगे। तो ये हमारा न्यू कोर्स, आप जैसे देख सकते हो JN 169 इसका कोड है। और यहाँ हमारा पेपर वन का आज मैं लेके आया हूँ। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, कोणीय संवेग को परिभाषित कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा कोणीय संवेग है उसको परिभाषित करने बोल रहा है। तो कोणीय संवेग को परिभाषित कीजिए और कोणीय संवेग का परिमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। और उसी के अथवा में आप एक और क्वेश्चन देख सकते हो, द्रव्यमान केंद्र फ्रेम में प्रत्यास्थ संगठन की विस्तार में व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि 10 मार्क्स का है और इसका हम अभी आंसर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब यूनिट सेकेंड से जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, दृढ़ पिंड क्या है, व्हाट इज रिजिड बॉडी एंड दृढ़ पिंड की गति को यूलर समीकरण को निगमित कीजिए, ऑल्सो ड्राइव यूलर इक्वेशन फॉर मोशन ऑफ ए राइट बॉडी, राइट। और इसके जो अथवा में एक और क्वेश्चन है, एंठन लोलन क्या लोलक क्या है, एंठक लोलक के लिए सरल आवर्त गति का समीकरण आवर्त काल ज्ञात कीजिए। उसके बाद जो हमारा थर्ड यूनिट है, यहाँ से हम एक क्वेश्चन देखेंगे, चुंबकीय दोलन के से आप क्या समझते हैं, चुंबकीय दोलन के लिए सरल आवर्त का अवकल समीकरण तथा आवर्त काल ज्ञात कीजिए, व्हाट टू डू मेंट बाय वाइब्रेशन ऑफ अ मैग्नेट। चलिए, तो इसके बाद इसके अथवा का एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अथवा का क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो कि अध्यारोपण का सिद्धांत हमसे पूछा है कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, दो समान आवृत्तियों वाले आवर्त गतियों का अध्यारोपण का वर्णन कीजिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं, यूनिट नंबर 4। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी की बनावट तथा कार्यविधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में आप देख सकते हो, साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत बनावट और कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो इस सब का आंसर हम अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद हम यूनिट 5 में आते हैं। बर्नौली का प्रमेय लिखना है और इसे सिद्ध करना है। और इसके अथवा में आपको एक दे दिया है, श्यांता से आप क्या समझते हैं, किसी संकीर्ण नलिका में द्रव के प्रवाह के लिए पाइजुले का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक अच्छी बात यह है कि ये सब टॉपिक आप क्लास 12 से ही पढ़ते आ रहे हो, क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हो। बर्नौली का प्रमेय हम पढ़ चुके हैं 11th में, श्यांता क्या है ये भी पढ़ चुके हैं, मतलब अध्यारोपण का सिद्धांत भी क्लास 12th में हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, आपको याद होगा। तो इस तरीके से बहुत ही ईजी पेपर आपको देखने को मिलेगा इस यूनिट में। तो चलिए हम अब आंसर शीट अपना देखना स्टार्ट करते हैं। तो आंसर शीट में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट, पहला जो हमारा आंसर का क्वेश्चन का आंसर है, आप यहाँ देख सकते हो, कोणीय संवेग, जो कि कोणीय संवेग अभी हम क्वेश्चन देखे थे। तो कोणीय संवेग का सबसे पहले कुछ उदाहरण आप दे सकते हो, उदाहरण के बाद यहाँ पे सम परिभाषा आप यहाँ बता सकते हो कुछ, और उसके बाद डायग्राम, तो इस तरीके से। और यदि मैं आपको बता दूँ, यदि आपको इस जो मैं आंसर से बता रहा हूँ इसका अगर PDF फॉर्म चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन होकर वहाँ से आप PDF ले सकते हो और वहाँ से आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से मैं यहाँ, या फिर अगर वहाँ नहीं जुड़ना चाहते हो तो यहीं से आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। चलिए, दूसरा पेज यहाँ पे इस तरीके से रहा। तो ये हमारा थोड़ा सा डिफिनेशन हो गया और उसके बाद कुछ हम समझा दिए, उसके बाद यहाँ डेरिवेटिव कर दिए, या इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो कोणीय संवेग के लिए प्रमेय, जो कि इस तरीके से निकल गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि दृढ़ पिंड क्या है, रिजिड बॉडी, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा था, क्वेश्चन पेपर में देखा था। तो पहले हम तो रिजिड पिंड का सबसे पहले फॉर्मूला बता दिए हैं, इसके बाद हम यहाँ पे यूलर गति के समीकरण का निगमन करेंगे। तो निगमन किस तरीके से करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ दृढ़ पिंड का मुख्य अक्ष के सापेक्ष गति समीकरण यूलर का गति समीकरण कहलाता है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, परिभाषा आपके साथ दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेटिव करोगे और देन आफ्टर यहाँ पे पेज में, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे बनाया है, और
फिर से एक बात बता दूं आपको, अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिल रहा होगा तो सर्च करेंगे आप SRV विशाल कुमार गुप्ता, वहां से आपको मिल जाएगा ग्रुप और वो फिर ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से आपको PDF मिल जाएगा। चलिए तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ आप देख सकते हो, ये भी हमारे पास परंतु किसी मूल्य निर्देश तत्व, इस तरीके से सेकेंड का हम डेरिवेटिव किए हैं, बहुत ही लंबा डेरिवेटिव है बट ईजी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा आता है अथवा का क्वेश्चन हमने बनाया है, अध्यारोपण का सिद्धांत किसे कहते हैं, यूनिट थर्ड का क्वेश्चन है अथवा का। तो सबसे पहले तो अध्यारोपण सिद्धांत आप 12th से ही पढ़ते आ रहे हो, इसमें हम सबसे पहले इसका परिभाषा बता दिए हैं, उसके बाद दो समान आवृत्तियों वाली आवर्त गतियों का अध्यारोपण का वर्णन किए हैं और इस तरीके से हमने आप यहाँ देख सकते हो। इसके बाद हम इसके लिए कुछ डेरिवेटिव्स लाए हैं, इक्वेशन वगैरह, और यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है। उसके बाद इसके कुछ स्थितियाँ होती है, विशेष स्थितियाँ जिसे हम बोलते हैं। विशेष स्थितियाँ में पहला आप देख सकते हो, यदि φ1 − φ2 इज इक्वल टू जीरो हो या 2nπ, जहाँ n इज इक्वल टू रेशनल नंबर अर्थात φ1 − φ2 इज इक्वल टू पाई का समगुणक, तो इस तरीके से आप यहाँ से भी लिख सकते हो। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर डायग्राम बना सकते हो और डायग्राम बनाने के बाद हम नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं यूनिट नंबर 4 का। यहाँ पे भी मैं अथवा वाला क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन की बनावट बताइए। तो सबसे पहले यहाँ बनावट आप देख सकते हो, चक्रीय त्वरीय होता है ये इस तरीके से, और अगर आगे चले तो ये भी आप 12th में पढ़ चुके हो, एक बार और मैं आपको बता दूँ। तो इस तरीके से आप डायग्राम भी यहाँ पर बना सकते हो। कार्यविधि अगर लिखना चाहते हो तो कार्यविधि लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन 10 नंबर का क्वेश्चन है तो लिखना तो बनता है, राइट। तो चलिए इस तरीके से कार्यविधि को समझाइए। उसके बाद सिद्धांत, जैसा कि आप जानते हो कि 10th मार्क्स आपको ऐसे ही नहीं मिलने वाले, एक साइंस में यही होता है कि एक एक टॉपिक पे आपको मिलता है, तो सिद्धांत पे 2 नंबर आपको मिल गया। तो इस तरीके से आप सिद्धांत अगर बताओ तो ज़्यादा अट्रैक्टिव आपका आंसर शीट लगेगा, और बेसिकली इस बार आपके लिखावट पे ही नंबर मिलने वाला है, क्योंकि कंटेंट तो सबका सेम रहेगा, क्योंकि देख के लिखना है तो कोई भी देख के छाप देगा, लेकिन कौन कितना लिखता है कैसा लिखता है इसी पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप अपने कंटेंट पे नहीं, आपके लिखावट पे ज़्यादा ध्यान देना, जो कि सही रहेगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ देख सकते हो कि ये हमारा समीकरण आ गया, T = 2 τ, एंड यहाँ पे हमारा मेन समीकरण जो n = b/2πqm, ये हमारा आ गया। यही साइक्लोन के कार्य करने के लिए दोलित की आवश्यक आवृत्ति का सूत्र है। फिर यहाँ से अगर हम मैक्सिमम का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो इस तरीके से मैक्सिमम का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, जो कि आप लिख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बर्नौली का प्रमेय हमें देखना है। तो बर्नौली प्रमेय में आप देख सकते हो, सबसे पहले तो हम इसके बताएं कि बर्नौली प्रमेय आखिर होता क्या है। आप 11th से ही पढ़ते आ रहे हो तो आपको थोड़ा सा तो आइडिया है, और इस बार भी आप पढ़े हैं। यदि कोई असंपर्णीय एवं अस्नायत तरल धारा रेखीय प्रवाह में किसी घर्षण रहित जली में एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर बिना किसी अवरोध के बढ़ता है, तो उसे मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर एकांत आयतन के लिए स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो उसका पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है, वो दोनों किसके योग के बराबर होता है, तो एनर्जी के योग के बराबर होता है, और इसको हम नियतांक लेते हैं। जो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डायग्राम आपका रहा है, डायग्राम को समझाना है कुछ, अगर आप चाहो तो ये समझा सकते हो डायग्राम को, ये आपका डायग्राम है। चलिए तो इसके आगे अगर हम देखें तो कार्य इज इक्वल टू बल इनटू दूरी, और इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। सेम आपका जो 11th में पढ़े वही है, बस थोड़ा सा इसका बिग ब्रदर टाइप का आप समझ सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो डेरिवेटिव्स निकाला है, सबसे पहले गतिज ऊर्जा में वृद्धि कर दिए हैं, और देन आफ्टर यहाँ पे आप किया गया कार्य इज इक्वल टू ऊर्जा में कुल वृद्धि अगर करके बनाते हैं तो लास्ट में आपका फाइनल आंसर आ जाता है P + 1/2 ρ V² = ν, और इसी को हम बर्नौली का प्रमेय कहते हैं। तो ये रहा हमारा 5 क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। यदि आपको, फिर से बताऊं, अगर आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर वहाँ से ज्वाइन नहीं होना है तो आप वहाँ सर्च करेंगे SRV विशाल कुमार गुप्ता, तो वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF लेके और लिख सकते हैं। और यदि और भी सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं और भी सब्जेक्ट का लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी अ गुड डे, बाय बाय।